चुनाव बहिष्कार करते हैं। रोड नहीं, रोड नहीं, रोड नहीं, रोड नहीं, रोड नहीं। विधायक प्रत्याशी जी भी मौजूद है, आई उनसे भी हम चर्चा करते हैं। ये बताइए पहले कि यहाँ जो समस्या है, क्या अगर आपकी सरकार आती है तो क्या इन सब पर कार्य किया जाएगा? देखिए, दिखा रहा हूँ, देखिए आप रोड की स्थिति देखिए कैसे जर जा रहा है। सिर पर आपको यहाँ छोटा छोटा बालू दिखाई देगा और देखिए पूरा रोड की यही स्थिति बनी हुई है। इसे ही लेकर यहाँ के लोगों द्वारा आक्रोश दिखाई दे रहा है, यहाँ की युवाओं में आक्रोश दिखाई दे रहा है, जिसे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन साहू और आप देख रहे हैं न्यूज 30 लाइव। अभी हम पहुंचे हैं ग्राम अमोरा, जो विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो मुंगेली के अंतर्गत आता है और विधानसभा क्रमांक 27 है। आपको पता ही है कि यहां छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बज चुका है और जहां देखिए गली मोहल्ले जहां भी देखिए चुनावी चर्चा होती है। और आज इसी संदर्भ में हम पहुँचे हैं ग्राम अमोरा। हम आपको यहाँ की खासियत बताने जा रहे हैं कि ये देखिए हमारे पीछे आपको पूरा युवा लोग दिखाई दे रहे होंगे। ये युवा वोट के लिए, वोटिंग के लिए नहीं आए बल्कि चुनाव बहिष्कार के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ वर्षों से, अगर सड़क की बात करें तो वर्षों से सड़क की स्थिति जर्जर बनी हुई है और उनका निराकरण आज तक नहीं हो सका। इसी के संदर्भ में ग्राम अमोरा के जितने भी हुआ है वो चुनाव का बहिष्कार करने के लिए यहाँ उपस्थित है। आइए हम चर्चा करेंगे कि चुनाव बहिष्कार करने का कारण क्या है। बताइए कि अभी हमें सुनने को मिल रहा है कि यहाँ के जितने भी लोग हैं चुनाव का बहिष्कार करें, तो चुनाव का बहिष्कार करने का कारण क्या है? चुनाव का बहिष्कार करने का कारण ये है, मतलब दो तीन तो है। एक तो सबसे बहुत बड़ा मुद्दा ये सड़क, जो कि तखतपुर भत्री से कुकुजदा तक मार्ग बहुत जर्जर हो चुका है और प्लस हमें आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। जो कि 15-20 मिनट का रास्ता है वो 1-1.5 घंटा लग जाता है आने जाने में, और बरसात के दिनों में कीचड़ से भरा रहता है तो कई बार एक्सीडेंट हो चुका है। और प्लस 2018 में रमन सिंह आए थे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उसके द्वारा भी घोषणा किया गया था, मतलब कि सड़क बनाया जाएगा और जो कॉलेज के लिए वो बनाए थे, मतलब महाविद्यालय खोला गया था 2018 में रमन सिंह द्वारा, जो कि उसका अभी तक बिल्डिंग बना नहीं है। वो स्कूल का ही अतिरिक्त कक्ष पे भी लग रहा है, जो 4 कमरे पे मात्र, अब जिसमें BA BSc BCom तीनों ईयर का है, तीनों साल का मतलब है ना, तो उसमें डबल बेच करके लगा रहे हैं, उसका भी बिल्डिंग नहीं है, है ना। और जो भी भाई अभी बताया कि बहुत सारे मुद्दा है जिन्हें लेकर चुनाव बहिष्कार किया जा रहा है, तो पूरा जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? अभी का प्रेजेंट जो सरकार है कि 15 साल जो कार्य कर चुके हैं, सरकार है, दोनों सरकार जिम्मेदार हैं। अच्छा, 15 साल में मोहल्ले जी भी नहीं बनवाए रोड अपना, और अभी 5 साल में कांग्रेस रिपेयरिंग कराऊंगा बोल दिए थे, आए थोड़ा सा रोड को बना दिए, उसके बाद फिर चले गए, गड्ढा को पाटे फंस हैं थोड़ा थोड़ा, मतलब रोड तो बनाए ही नहीं है ठीक सर। अच्छा, हाँ, और इसी कारण से एक्सीडेंट भी हुआ है 2-3, और एक दो लोगों की मृत्यु भी हो गया है। अच्छा, जो एक आक्रोश दिखाई दे रहा है और बहुत सारे मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार द्वारा और जो जितने भी पार्टी उसके द्वारा लुभावना ऑफर दिया जा रहा है, कर्ज माफी की बात की जा रही है, इसके बाद भी आप लोग बहिष्कार करना चाहेंगे? जी हाँ सर, बहिष्कार तो होगा ही। अच्छा, बस लुभाते भरे उसके बाद कार्य तो कर नहीं सकते। अच्छा, बोल देते हैं कि कर्जा माफ होगा, ठीक है हम तो कर्जा लिए ही नहीं है, तो कौन सा हमें फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं है। कर्जा माफ किसके लिए? जो कर्जा लिए उसके लिए, हमें क्या फायदा? कोई फायदा तो हो नहीं रहा है, सिर्फ बड़े लोगों को फायदा होता है, बड़े लोगों का कार्य होता है, बाकी गरीब का आते हैं जब नेता लोग क्या बोलते हैं, गरीब गरीब किसान किसान बोल देते हैं, जब किसान जाते हैं नेता के पास चुपचाप किसान को भगा देता है, किसान का कोई कार्य नेता कर नहीं सकता। यहाँ किसान वर्ग का समर्थन मिलेगा? हाँ, किसान सभी खेती बाड़ी करते हैं। हाँ, तो इस बार तो अच्छा खासा पैसा मिलने वाला है आप लोगों को? मिलने वाला है सर, लेकिन मिल नहीं पाता ना। अच्छा, आते हैं कर्मचारी वहीं से खा जाते हैं, किसान तक तो मिलते ही नहीं पाते। देखिए समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया है और बोनस भी अच्छा खासा मिलने वाला है। ठीक है सर, अभी समर्थन मूल्य बढ़ा दिया, अभी 3200 तो नहीं किया है, लिखना चाहिए ना, अभी तो उसका सरकार है, कांग्रेस का सरकार है ना, तो 3200 डाल देना चाहिए सीधा। 2200 डालने का मतलब ही क्या है? अभी कितना मिल रहा है? अभी तो 2200 मिल रहा है, और बाकी कब मिलेगा? बाकी वो किस्त में मिलता है बोनस, वो भी मिलता है कि नहीं है पता ही नहीं चलता। आधा लगातार रोड दिखा रहा हूँ, ये तखतपुर से लेकर अमोरा और अमोरा के आगे जो गांव वहां तक गया हुआ है, देखिए ये आपको धूल ही धूल दिखाई देगा, और जैसे कि यहाँ गाड़ी चलती है तो गाड़ी के चलने से पूरा धूल ही धूल हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों को रोड के वजह से कितना प्रॉब्लम होता होगा, क्योंकि यहाँ के जो लोग व्यवसाय के लिए शहर जाते हैं, लोग यहाँ जितने भी लोग
छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, और ऐसे ही बदहाल सड़क उन्हें होकर गुजरना पड़ता है। और इसी के चलते ग्राम अमोरा के लोगों द्वारा चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है। और देखना यह होगा कि वाकई में यह जो बहिष्कार है, चुनाव का बहिष्कार है, कितना रंग लाता है और क्या यह रोड बन पाएगा। और देखिए, मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ, देखिए पूरा मैं आपको रोड दिखा रहा हूँ। देखिए आप रोड की स्थिति देखिए कैसे जर्जर है। सिर पर आपको यहाँ छोटा छोटा बालू दिखाई देगा। और देखिए पूरा रोड की यही स्थिति बनी हुई है। इसे ही लेकर यहाँ के लोगों द्वारा आक्रोश दिखाई दे रहा है, यहाँ की युवाओं में आक्रोश दिखाई दे रहा है जी। आप लोगों के द्वारा जो बहिष्कार किया जा रहा है, चुनाव समर्थन पूरे गांव का मिल रहा है कि चंद लोगों का मिल रहा है? ये है कि अभी तो हमारे जो युवा है, हमारे युवा का समर्थन बहुत अच्छा है यहाँ का। प्लस यहाँ का जो व्यवस्था है, हमारे ग्राम का व्यवस्था है जो बहुत ही खराब है, यहाँ का आक्रोश में है जनता यहाँ। देखिए आपको तेज आवाज में सुनाई दे रहा होगा कि चुनाव का पूर्ण बहिष्कार करते हैं, रोड नहीं तो वोट नहीं, यहाँ के लोगों का यही नारा है। और आइए और चर्चा करते हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर ग्राम अमोरा के लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। तो ये बताइए आप लोगों का प्रमुख कौन कौन सा ऐसा मुद्दा है कारण जिसे लेकर आप लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं? ऐसा बहुत मुद्दा है सर जिसको हम बता नहीं सकते। अच्छा। पहले तो रोड का है, उसके बाद कॉलेज का है, कॉलेज के अभी तक के बिल्डिंग नहीं मिल पाया है। अच्छा। ना पुल का है, जो पुल मनियारी का पास हो चुका था पहले सरकार में, वो अभी तक नहीं बना है। बजट भी मिल चुका था लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। जिला सरकारी बैंक का आदेश हो गया है, वो भी नहीं हुआ है। विद्युत का आदेश हो गया, वो भी नहीं हुआ है। सब स्टेशन का मतलब ऐसे ऐसे बहुत समस्या जिसका आदमी निराकरण करने के लिए बहुत। और ये भी है कि हम अपने पैसे के लिए जैसे कि जिला सहकारी बैंक में निकालने जाते किसान लोग, तो सुबह से शाम तक लाइन लगे रहो, अपने पैसे निकालने के लिए हमको रिश्वत देना पड़ता है। ये बड़ी मुद्दा है और मिलता भी नहीं है ये। हाँ, और ऐसे बहुत सारे मुद्दे जिसे हम गिनाते गिनाते थक जाएंगे, और सरकार ऐसे मतलब घोषणा करके चल लेते हैं लेकिन दोबारा आते नहीं है। देखिए हमारे बीच में एक प्रत्याशी, विधायक प्रत्याशी जी भी मौजूद है, आइए उनसे भी हम चर्चा करते हैं। ये बताइए पहले कि यहाँ जो समस्या है, क्या अगर आपकी सरकार आती है तो क्या इन सब पर कार्य किया जाएगा? देखिए मैं तो निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। अच्छा। कुलर छाप से हूँ, रूपलाल कोसरे हूँ। अगर निर्दलीय को जिताएंगे तो निश्चित तौर से यहाँ पे मैं लड़ के, और जैसा भी होगा चाहे सरकार किसी की भी आएगी, मैं यहाँ पे विकास करने के लिए तत्पर रहूँगा। अच्छा। पहले मुझे विधायक बनाए और इनके जो भी समस्याएं हैं उसको मैं दूर करने के लिए तत्पर रहूँगा। अच्छा। इसीलिए मैं जो है निर्दलीय कूलर छाप में प्रत्याशी खड़ा हुआ हूँ। अच्छा, ये बताइए जैसे नेताजी अभी यहाँ आए तो मतलब कब से इनका आना जाना यहाँ लगा हुआ कि अभी चुनाव के समय दिखाई दे रहे हैं? ये आज ही दिखाई दे रहे हैं हमें। अच्छा। और इसके पहले हम इसको नहीं जानते ठीक से, जो आज अभी हम सामने में आए हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं, हम किसी पार्टी लेवल को सपोर्ट नहीं करते। ये हमारा मत है जिसे हम देना चाहे दे सकते हैं या बहिष्कार से, क्योंकि हम अपने युवा बैच के लोग बहिष्कार कर रहे हैं अभी। अच्छा, जैसे कि आप लोग पार्टी लेवल जैसे भाजपा कांग्रेस ये बड़ी पार्टी इनका बहिष्कार कर रहे हैं, तो क्या किसी निर्दलीय के साथ जाना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। ऐसा नहीं है, अभी हम किसी पार्टी लोग को सपोर्ट नहीं करते, कोई भी कुछ भी हो सकता है। अभी हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं अपने युवा बैच के लोग जितने भी हैं, और आगे भी हम अपने युवा लोगों को प्रोत्साहित करेंगे इस कार्य के लिए आगे बढ़े करके।